नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीम्स में। भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में आईपीएल का जो 18वां मुकाबला होने वाला है इसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारा कल का टीम दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो भाई, ये रहा हमारा कल का स्मॉल लीग टीम। कैप्टन हमारे थे हर्षल पटेल, वाइस कैप्टन कोहली, किसी का भी ये दोनों सीवी से नहीं थे। और ए दीप हमारे ट्रम्प थे, डिवॉल्ड ब्रेविस हमारे ट्रम्प थे, सबके कैप्टन वाइस कैप्टन ईशान किशन, रोहित शर्मा, फैफ डी प्लेसिस, ठीक ना। और हमारा देखो भाई सीवीसी और वन साइड विनिंग की कल भी हम लोगों ने। और ग्रैंड लीग में देख सकते हो आप 3700 लोग में 8 रैंक, 50,000 में 83 रैंक, और भाई आग लगा दी कल तो हमने, और डेली ही लगाते हैं वैसे तो। तो मैं आपको बताता हूँ आपको हमारी टीम मिलेगी कैसे, ठीक ना। तो आपको कुछ नहीं करना, जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको क्लिक करोगे ना तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको सिंपली क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। तो देख सकते हो भाई लोग, ये रहा हमारा स्मॉल लीग टीम मैंने आपको दिया था, और ये रहा ग्रैंड लीग सेकेंड टीम, देखो ये रहा, ठीक ना। और इसका रिजल्ट ये रहा, आप देख सकते हो सेम टीम है। तो आप बात करते हैं आप लोग को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो वीडियो आप देख रहे हो उसके यहाँ पे आपको एक एरो का आइकन दिख रहा होगा, ये वाला, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और नीचे आप देख सकते हो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल करके, ये रहा, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है, डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे। और आपको सेकेंड मेथड क्या करना है, यहाँ पे आपको कमेंट्स दिख रहा होगा, कमेंट में आपको क्लिक करना है, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल करके, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना है, ठीक ना। तो ये हो गई बात की बात, और आज अब हम बात करते हैं मैच के बारे में, आज का जो मैच है। तो डायरेक्टली हम आते हैं टीम बनाने में। तो टीम बनाने से पहले भाई मैं आपको पिच रिपोर्ट बता दूं। भाइयों, ये मैच होने वाला है ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में, और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ना बैट्समैन को ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, मुंबई के सारे स्टेडियम में बैट्समैन को ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, और पेस बॉलर को और बैट्समैन को, इन दोनों को ये हेल्प मिल रहा है, स्पिनर्स को थोड़ा कम मिल रहा है। हालांकि लास्ट के जो मैचेस रहे ना इस पिच में, स्पिनर को आपको याद होगा राहुल चार के विकेट्स, कुलदीप यादव के विकेट लास्ट मैच में, तो भाई इस मैच में स्पिनर्स वापस आ रहे हैं, ठीक ना। पिच थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा है, न्यू पिच था ना तो यूज़ हो रहा है पिच, और इस वजह से स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प मिल रहा है अब धीरे धीरे करके। तो बताया जाए तो पिच रिपोर्ट में यही जाता है कि बैट्समैन और बॉलर्स को हेल्प मिलता है, लेकिन जितना मैच होते जाता है वैसे वैसे स्पिनर्स को भी मदद मिलता है और स्पिनर्स बैक करते हैं, ठीक ना। तो स्पिनर्स भी आज के मैच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कौन से स्पिनर लेने हैं, और आप आपके ट्रम्प पिक वही होने वाले हैं आज के मैच में, ठीक ना। तो डायरेक्टली हम आते हैं टीम बनाने में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दो प्लेयर दिख जाएंगे, ऋषभ पंत और सैम बिलिंग्स, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली ऋषभ पंत को पिक कर लेना है। ऋषभ पंत आपको थर्ड सेकेंड डाउन बैटिंग करके देंगे, अपनी टीम के कैप्टन है, और विकेट कीपिंग भी यही करने वाले हैं अपनी टीम से, और अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, ठीक ना। जल्दी विकेट देते नहीं हैं, जब थोड़ा देखते हैं कि रन बन गया, लास्ट मैच में 17 बॉल के करीब खेलकर 7-8 रन बनाए थे, फिर इतना अच्छा खेले कि 38 पे पहुंच गए, और 35 या 36 बॉल याद नहीं है, लेकिन कम बॉल में ज़्यादा रन मार दिए, तो इनके पास कैपेसिटी है कम बॉल में ज़्यादा रन मारने की, और 35 रन आपसे आप इनसे इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और विकेट कीपिंग में एक दो कैच स्टंपिंग हो गया तो भाई मज़े मज़े, ठीक ना। यहाँ से सैम बिलिंग आपको सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में ट्राई मत करना, अच्छे फॉर्म में नहीं है, और विकेट कीपिंग तो कर रहे हैं लेकिन फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है इनका, तो ग्रैंड लीग में एक दो टीम में ट्राई कर लेना। बाकी हम आते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो बैटिंग सेक्शन में आपको यहाँ से तीनों डिफ़ॉल्ट पिक उठाना है, ठीक ना, अय्यर, सौ, वॉर्नर। ऐसा क्यों, देखो अय्यर अपनी टीम का कैप्टन है और जल्दी से विकेट देता नहीं है, आराम से खेलता है बंदा, कंसिस्टेंट प्लेयर है, ठीक ना, तो इसको आपको लेना ही लेना है। पृथ्वी शॉ लास्ट मैच में टच में दिखा था, अच्छा खासा हिटिंग कर रहा था, ठीक ना, ज़्यादा रिस्की शॉट नहीं मार रहा था, चौके ही चौके मारे जा रहा था, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला आज के मैच में, ठीक ना, एक तरफा मैच कर देता है जब भी चलता है, तो इसको भी लेके चलना है। अब देखो भाई, डेविड वॉर्नर आज के मैच में इंपॉर्टेंट हो सकता है, लास्ट मैच में फ्लॉप हो गया, तो आज के मैच में चाहेगा कि लास्ट मैच में सोचा हूँ कि मेरी वजह से, मतलब मेरा टीम में रहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाया, तो वो सोच इसको मन में खटकेगा और आज के मैच में स्कोरिंग करेगा अच्छा खासा ये,
तो विकेट अपना देगा नहीं जल्दी, भले ही कम बॉल भले ही बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ खेलेगा लेकिन विकेट जल्दी नहीं देगा, फिर अपना स्ट्राइक रेट वापस कर लेगा और अच्छा खासा स्कोरिंग करने वाला आज के मैच में। तो ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई कर लेना डायरेक्टली डेविड वार्नर को, ठीक ना। और यहाँ से अजिंक्य रहाणे, नीतीश राणा ग्रैंड लीग में अच्छे पिक रहेंगे, स्मॉल लीग में नहीं। अजिंक्य रहाणे को आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो लेकिन थोड़ा रिस्की पिक रहेंगे, रीज़न ये है कि कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन विकेट जल्दी देते नहीं है फिर भी कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक ना। तो ग्रैंड लीग में एक दो टीम में ट्राई कर लेना, बाकी यहाँ से रोमन पॉवेल ग्रैंड लीग में एक दो टीम में ट्राई कर लेना, वाइस कैप्टन ट्राई करना, और जब चल गए तो भाई एक तरफा कर देते हैं पूरा मैच को, ठीक ना। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पैट कमिंस को भाई लास्ट मैच के 50 के बाद डायरेक्टली ऑलराउंडर सेक्शन में डाल दिया, तो कोई बात नहीं। यहाँ से हमें लेना है पैट कमिंस को, जो ज़रूरत पड़ने पर हिटिंग के साथ अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं, तो इनको हमें लेना है, लास्ट मैच में भी लिया था हमने। और एंड्रे रसल को यहाँ से पिक करना है, इनका बॉलिंग फिक्स नहीं है, ठीक ना। और बैटिंग से कभी भी भाई तोड़ फोड़ वाला परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लास्ट मैच आपको याद होगा लास्ट से लास्ट 70 रन आराम से मारे थे इन्होंने, तो वैसा ही कुछ आज देखने मिल सकता है क्योंकि दिल्ली का जो बॉलिंग है थोड़ा अच्छा है और इनका चांसेस है कि बैटिंग आ जाए। और भाई नेक्स्ट है वेंकटेश अय्यर, मैं इनको अपने स्मॉल लीग टीम में पिक नहीं कर रहा, इसका रीज़न ये है कि लास्ट मैच आपने देखा होगा तो आपको याद होगा काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बॉलर्स को, और इनका मतलब आउट होते होते 4 से 5 बार बच गई आउट होते होते, कभी ऐसी जगह गिर रहा है जहाँ फील्डर ना हो, हाँ कभी थोड़ा आगे कैच गिर जा रहा है, मतलब इतना अच्छा लग चल रहा था इनका लास्ट मैच में, इसलिए इतना ज़्यादा रन मार गई है, वरना इनका पहले ही आउट हो जाते कभी भी, ठीक ना। तो मैं स्मॉल टीम में पिक नहीं कर रहा, अच्छे फॉर्म में नहीं है अभी, भले ही लास्ट मैच में अच्छा रन किया हो स्कोरिंग किया हो लेकिन बहुत स्ट्रगल वाली पारी थी वो, इसलिए मैं इन पर भरोसा नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं इनको ड्रॉप करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट पिक में करूँगा अक्षर पटेल को, अक्षर पटेल भाई इस मैच में बैटिंग आने के चांसेस है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के जो बैट्समैन है ना सब हिटर टाइप के, देखो ऋषभ पंत हिटर है, पृथ्वी शॉ हिटर है, रॉबिन पॉवेल हिटिंग करता है, सरफराज खान हिटिंग करता है, तो सब मोस्टली हिटर है इसकी टीम में, और हिटिंग के चक्कर में ही ये लोग विकेट फेंकेंगे, तो अक्षर पटेल का बैटिंग आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और कोलकाता की बॉलिंग बढ़िया है, देख सकते हो आप वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव, सुनील नारायण, ठीक ना, मिस्ट्री स्पिनर्स भी भरे पड़े हैं, पैट कमिंस भी है और रसेल भी मतलब ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, तो बॉलिंग सही है कोलकाता की, तो बैटिंग आने के चांसेस अक्षर पटेल के आज, और 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी डालेंगे लगभग, तो इम्पोर्टेंट पिक हो जाते हैं आपके लिए, अगर बैटिंग से 15-20 रन और विकेट एक विकेट भी ले गए तो काफ़ी पॉइंट मिल जाएंगे हमें, ठीक ना। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट पिक रहेंगे आज के मैच में, काफ़ी लोगों ने ड्रॉप किया है तो उनको प्रॉब्लम होगा आज इनको ड्रॉप करना। तो डायरेक्टली चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पिक्स दिख जाएंगे। तो भाई बॉलिंग सेक्शन तो आपको कंडीशन पर डिपेंड करता है हमेशा ही, ठीक ना। देखो अगर दिल्ली की टीम पे बॉलिंग करे ना तो यहाँ से मुस्तफिजुर रहमान, नौकिया इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और बाकी यहाँ से बैट्समैन या ऑलराउंडर में से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके हमें क्रेडिट मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर कोलकाता पहले बॉलिंग कर गई तो इन दोनों को ही छोड़ के डायरेक्टली यहाँ से मैं उठाऊँगा वरुण चक्रवर्ती भाई, आज के मैच में इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न ये है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में काफ़ी सारे हिटिंग बैट्समैन हैं, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, रॉबिन पॉवेल, सरफराज खान, सब हिटर टाइप के बैट्समैन हैं, और हिटिंग के चक्कर में जाएंगे भाई वरुण चक्रवर्ती गुगली डालेगा और सीधा बोल्ड मारेगा, तो एक बोल्ड के 33 पॉइंट मिलते हैं आपको पता होगा, तो एक बोल्ड और एक विकेट भी लेंगे नॉर्मल वाला, तो 60+ पॉइंट मिल जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज के मैच में वरुण चक्रवर्ती। और ग्रैंड लीग में CVC ट्राई करना, ठीक ना, आज के मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वरुण चक्रवर्ती, याद रखना। यहाँ से नेक्स्ट पिक में करूँगा शार्दुल ठाकुर को, अच्छा बॉलर है, भले ही फॉर्म ख़राब चल रहा है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स इनको अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है, पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए नहीं जाने जाते शार्दुल ठाकुर, बीच के ओवर्स में और डेथ ओवर्स में भी ज़्यादा नहीं, बीच के ओवर्स में ही जब विकेट की ज़रूरत होती है तभी शार्दुल ठाकुर बॉलिंग करते हैं विकेट लेने के लिए, लेकिन इनका बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया अच्छे से, कभी पावर प्ले में करवा रहे हैं, कभी डेथ ओवर में बॉलिंग करवा रहे हैं, तो भाई
टीम मैनेजमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छे से यूज़ किया गया ना इनको अगर, तो डेली बंडल्स में विकेट लेंगे। आपको पता होगा शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जब भी ओवर डालते थे ये तो हर ओवर में दो विकेट तो लेके ही जाते थे, ठीक ना। पता नहीं इनका क्या था लेकिन यहाँ इस बार तो भाई एक भी विकेट नहीं मिल रहा, तो इनका यूसेज अच्छे से हो नहीं रहा कोलकाता की टीम से, और सॉरी दिल्ली की टीम से। तो देखना है आज के मैच में अगर अच्छा यूज़ किया इनका तो भाई अच्छा खासा स्कोरिंग विकेट ले सकते हैं, क्योंकि नोकिया आ गए हैं, ठीक ना, नोकिया टीम में वापस आ गए। तो स्टार्टिंग के ओवर में और डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं करेंगे शार्दुल ठाकुर अब, क्योंकि नोकिया आ गए। तो चांसेस हैं कि शार्दुल ठाकुर बीच के ओवर्स में ही बॉलिंग करें और भाई वेरिएशन करते हैं बॉलिंग में, तो विकेट लेने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं इनके। तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाले हैं ये भी आज। तो बचते हैं हमारे पास 17 क्रेडिट्स, तो 17 क्रेडिट में आपको यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट पिक करना है। दिल्ली के बेटे से अगर पहले बॉलिंग करेगी तो यहाँ से मैं लेना चाहूँगा उमेश यादव को, ठीक ना। थोड़ा क्रेडिट में मेंटेन नहीं हो रहा और काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन भी है इसका, अगर एक दो विकेट भी ले गया तो थोड़ा प्रॉब्लम दे जाएगा और क्रेडिट भी नहीं है हमारे पास ज़्यादा अदर प्लेयर को लेने के, इसलिए मैं अभी इसको लेके चल रहा हूँ। और यहाँ से अभी हमारे पास बचते हैं 8.5 क्रेडिट, ठीक ना। तो आप चाहो तो यहाँ से कुलदीप यादव को ले सकते हो और यहाँ से अजिंक्य रहाणे को ले सकते हो। भाई देखो कुलदीप यादव अगर पहले इनिंग में बॉलिंग करेगा ना तो कोलकाता की टीम इसको विकेट जल्दी देगी नहीं, ठीक ना। कोलकाता की टीम आराम से खेल जाएगी कुलदीप यादव को, क्योंकि पता है अच्छे फॉर्म में और विकेट नहीं देना चाहेगी कोलकाता की टीम कुलदीप यादव को, ठीक ना। तो इसका आपको ध्यान देना। और मैं यहाँ से लास्ट प्लेयर पिक कर रहा हूँ अजिंक्य रहाणे को, ठीक ना। भाई बैटिंग पिच के अच्छे बैट्समैन हैं अजिंक्य रहाणे और कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। लास्ट मैच फर्स्ट मैच में 44 का स्कोर किया, फिर भी मैं भरोसा दिखा रहा हूँ इन पर, ठीक ना। कंसिस्टेंट कम है इनमें लेकिन मैं इनको फिर से बैक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुंबई में ही पले बढ़े और मुंबई के सारे पिच को अच्छे से जानते होंगे, तो कुछ एडवांटेज इनको पिच का भी रहेगा और ज़्यादा छक्कों पे भरोसा करते नहीं है, ठीक ना। सिक्स हिटिंग के लिए जाने नहीं जाते ज़्यादा, सिंगल डबल फोर ऐसे ही स्कोरिंग करते हैं, तो जल्दी विकेट नहीं देना चाहते, जल्दी विकेट नहीं देते ये भी अपना। तो देखो भाई ये है हमारी फ़िलहाल के लिए टीम, ठीक ना। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया है कैसे ज्वाइन करना है आपको टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फ्री टीम्स के लिए, ठीक ना। ग्रैंड लीग स्मॉलिक दोनों का टीम मिलेगा आपको फ्री में। और नीचे भाई चॉइस 11 का भी लिंक दिया होगा अगर आपको इजी विनिंग करना है स्मॉल लीग्स में, ठीक ना। मतलब जो कॉन्टेस्ट आप ड्रीम 11 पे हार रहे हो वही कॉन्टेस्ट आप स्मॉल लीग चॉइस 11 में खेलोगे तो वहाँ विन कर जाओगे। इसका रीज़न ये है कि भाई बहुत इजी कॉम्पिटिशन है, ठीक ना। जो मेम्बर आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में हो तो मैंने आपको एक बार स्क्रीनशॉट भेजा था, हेड टू हेड में एक बंदा हमारा हार गया था ड्रीम 11 में और वही सेम टीम से 25 मेंबर विन कर गया चॉइस 11 में। भरोसा नहीं हो रहा तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं ऐसा ऐसा स्क्रीनशॉट डालता रहता हूँ, ठीक ना। इसलिए भाई खेलो वहाँ जहाँ फ़ायदा हो, ड्रीम 11 में खेलने से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक ना। वही आप पैसा चॉइस 11 में लगाओ तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये रही हमारी टीम, ठीक ना, ये रहा। और बात करते हैं हम सीवीसी ऑप्शंस की, तो कैप्टनसी के लिए यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। देखो मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ मैं मेरा कैप्टन कौन होने वाला है। यहाँ से मैं कैप्टन रहने वाला हूँ कैप्टनसी ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, और इन दोनों में से किसी एक को बना सकते हो आप, एंड्रयू रसेल और पैट कमिंस। रसेल ज़्यादा अच्छे पिक नहीं होंगे क्योंकि बॉलिंग कर नहीं रहे ज़्यादा, ठीक ना। एक ही ओवर डाले लास्ट मैच में भी, उसके भी पहले एक ही ओवर डाले, तो रसल को आप वाइस कैप्टन भी ट्राई मत करना, कैप्टन तो छोड़ ही दो। और तो भाई आप इन दोनों में से एक ट्राई करना कैप्टनसी में से, अय्यर और पंत। अब मैं आपको बताता हूँ आपको किसको पिक करना है। अय्यर के सामने कौन कौन रहेंगे बॉलिंग पे, कुलदीप यादव, मुस्तफ़िजुर रहमान, नोकिया, और भाई अय्यर के सामने काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, तो इनको मैं कैप्टन नहीं दे रहा आज के मैच में। मैं कैप्टन दे रहा हूँ ऋषभ पंत को, लास्ट मैच में भी मेरे कैप्टन यही थे, 38 रन मार के गए और कुछ कैचेस ले लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए थे इन्होंने मेरे को और वन साइडेड विन किया था मैंने उस मैच में भी, ठीक ना। सबके कैप्टन डेविड वॉर्नर थे, हम तो लेके ही नहीं आए थे डेविड वॉर्नर को, आपको याद होगा।
तो ऋषभ पंत हमारे कैप्टन रहने वाले हैं और आज भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। रीज़न ये है कि कोलकाता की टीम में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं है, ठीक ना, और ऋषभ पंत का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन सा है, तो आज के मैच में भी काफ़ी अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं और विकेट कीपिंग का एक्स्ट्रा एडवांटेज है इनको, ठीक ना। वरुण बताता हूँ आप कैसे, कुलदीप यादव बॉलिंग डालेंगे और अक्षर पटेल बॉलिंग डालेंगे, तो अगर बैट्समैन स्टेप आउट किया तो पीछे से ऋषभ पंत स्टंपिंग आउट करेगा, वहाँ से अलग पॉइंट, और बाय द वे कैचेस भी आ गए तो उसके अलग पॉइंट्स, तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट देने वाले हैं आज के मैच में आपको ऋषभ पंत। तो कैप्टनसी में ऋषभ पंत को दे रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी में यहाँ से दे रहा हूँ पैट कमिंस को, भाई अच्छे बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, ठीक ना, वो तो लास्ट मैच में 50 रन भी मार दिया, वरना तो बॉलिंग से ही ज़्यादा जाने जाते हैं ये, तो कोई बात नहीं, हम इनको वाइस कैप्टन बना रहे हैं। रीज़न ये है कि अच्छे बॉलर भी है और काफ़ी ज़्यादा लोग कैप्टन भी, अगर ज़्यादा पॉइंट दे गए तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वाइस कैप्टन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो देखो भाई लोग देख सकते हो, ये रही हमारी टीम, फाइनल टीम नहीं है, इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना सब लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप में मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो, छोटी सी वीडियो में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने का ट्राई किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, आपका लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। और चैनल में नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लेना और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना डेली फ्री टीम्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।